जो भलाई करता है उन्हें हमेशा भलाई मिलेंगे और मसीह उनमें निवास करेंगे। बालक यीशु के आगमन का छठा दिन। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। गौशाला की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में आज हम आपको माँ मरियम से परिचय कराएंगे। हम तीन चरणों में माँ मरियम के बारे में मनन चिंतन करेंगे। स्वर्गदूत का अभिवादन, माँ मरियम का प्रश्न, परमेश्वर की योजना में आमीन बोलने वाली माँ। बाइबल का पूरा अध्ययन करें तो शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर ने प्रभु की कृपा पात्री, भलाई से पूरी दुमाम ऐसे संबोधित करने वाली माँ मरियम के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। इसके लिए सौभाग्य से हमें केवल माँ मरियम मिली है। माँ मरियम पूर्ण रूप से पुण्यों में अलंकृत और भलाई से परिपूर्ण माँ है। परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने वाली माँ सभी पुण्यों से विभूषित होना चाहती थी। जी हाँ, मरियम पवित्र माँ, उनमें तनिक भी कोई कमी या नकारात्मक सोच के लिए कोई जगह नहीं थी। माँ मरियम ने ईश्वरीय राह को आंख बंद करते हुए विश्वास के साथ उसका अनुसरण किया और परमेश्वर जो भी उनकी जिंदगी में देते दे, उन्होंने पूर्ण मन से, अटल भरोसे और ईमानदारी के साथ उसे गले लगा लिया। प्रिय दोस्तों, हम भी भलाई का स्रोत बनेंगे और सभी में बुराई देखने की आदत को छोड़ते हुए माँ मरियम की तरह अच्छाई को अपनाएंगे। ये प्रिय दोस्तों, आज गौशाला की और हमारी यात्रा में माँ मरियम हमें अच्छाई और सद्विचारों की सुगंध फैलाने वाले सुंदर व्यक्तित्व बनने के लिए बुलाती है। आज के दिन हम कोशिश करेंगे दूसरों में अच्छाई देखने के लिए, सच बोलने के लिए, सच्चाई के साथ जीवन बिताने के लिए बालक यीशु हमें आह्वान देते हैं। धन्यवाद।